आज बन रही है माँ बेटी रसोड़ा में टेस्टी क्रिस्पी खस्ता मटर, जो कि आप कभी भी बना करके तैयार कर सकते हैं, महीनों स्टोर कर सकते हैं, कहीं भी इन्हें आप सफ़र में ले जा सकते हैं। बना रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से। चलिए हमारे साथ किचन में ये खस्ता सी मटरी बनाने के लिए। हमने यहाँ मिक्सिंग बाउल में लिया है आधा किलो मैदा। मैदा में हम डालेंगे अजवाइन हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, ऐड करेंगे आधा कप घी या तेल, मोइन जिस चीज़ का आप खाते हो वही यूज़ करें। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एक स्पून की हेल्प से, हाथों की हेल्प से मिक्स करते हुए हमारे आटे को हम मुठिया बनने तक मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। देखिए आटे में मोइन चेक कर लेते हैं, मुठिया बन रही है, इसका मतलब हमारे आटे में मोइन परफेक्ट है। गुनगुना पानी डालते हुए हम सॉफ्ट डो लगा करके तैयार करेंगे। मोइन डालने से हमारे मटर बहुत ही खस्ता और सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं। देखिए लगभग लगभग हमारा डो लग करके तैयार है, इसको हम थोड़ा सा मसल लेते हैं। डो हमारा लग करके तैयार है, हमने डो को 2 मिनट तक मसल लिया था। डो को हम 10 मिनट कवर करके साइड में रख देते हैं। गैस पे रखेंगे कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे तेल। आधा कढ़ाई होने तक हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे। डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। किचन सरफेस पर हमारे डो को रखकर हम उसको चिकना करेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसको इस प्रकार से लोच लगाएंगे। ये देखिए लोच लगा करके हमने हमारे डो को तैयार कर लिया है। डो में से लेंगे एक पार्ट, इस तरह से गोल करते हुए हमारे डो के पार्ट को एक बेलन बेलन की हेल्प से लंबा चौड़ा बेल करके तैयार करेंगे। हम इसको बिल्कुल पतला बेल करके तैयार करेंगे। देखिए बिल्कुल पतला हमारा मटर के डो को रोटी की फॉर्म में बेल करके तैयार कर दिया है। देखिए इतना पतला हमें बेल करके तैयार करना है। एक चाकू की हेल्प से हम हमारी मटर की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से पूरी रोटी को हम ऐसे लंबा लंबा काटेंगे। देखिए इस साइड से हमने लंबी लंबी काट ली है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे। इस तरह से तिरछा चाकू चलाते हुए तिरछी ओर काटेंगे। ये देखिए साइड के एक्स्ट्रा पार्ट्स हम अलग कर देंगे। दोबारा और मटर बेल करके तैयार करेंगे, उनमें हम ये डो मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स हमने निकाल दिए हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम तैयार की हुई हमारी मटर ऐड करेंगे तेल में। ये देखिए जितनी एक बार में कढ़ाई में आ जाए उतनी हम इसमें डालेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम हाई रखेंगे। मटर डालते ही हम एक बार इनको रोटेट कर देंगे। ये देखिए मटर डालते ही हमारी ऑयल में कितनी बड़ी बड़ी फूल करके तैयार हो गई हैं। देखिए हमारी मटर कितनी अच्छी फूल करके तैयार हुई हैं, बिना बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर यूज़ किए बगैर। मटर को हम पलट देते हैं, इनको फ्राई होने में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। 1 मिनट हो चुका है, हमने इनको फ्लिप कर दिया है। देखिए हमारी मटर हल्की सुनहरी हो चुकी हैं, इनको हम उलटते पुलटते हुए फ्राई करेंगे। देखिए मटर हमारी फ्राई होकर के तैयार है, अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। सभी मटर को हम इसी प्रकार से बना करके तैयार करेंगे। बाकी की मटर भी हम डाल लेते हैं हमारे कढ़ाई में। गैस की फ्लेम हमें अभी भी मीडियम हाई ही रखनी है और मटर को हम हल्का सा रोटेट करेंगे।
ये देखिए ये भी कितनी अच्छी फूल करके हमारी मटर तैयार हुई है। सभी मटर को हम इसी तरह से फ्राई करके तैयार करेंगे। देखिए ये भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इनको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए सारी मटर हमने फ्राई करके निकाल ली है। आशा करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आप भी अपने घरों में बनाएंगे, अपने अनुभव माँ बेटी के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।